टेस्टी रंग है। आप जो ये जगह में आप खड़े हैं, ये है वृंदा देवी का घर, जहाँ वृंदा देवी विराजती है। और जो वृंदावन है वो वृंदा देवी का वन है, वन मीन्स फॉरेस्ट, जंगल। यहाँ वृंदा देवी विराजती है। कि ये इस स्थान के विषय में लिखा है कि नंदगांव से पश्चिम दिशा में 1.5 मील दूरी पर वृंदा देवी विराजती है। तो ये ठीक 1.5 मील दूरी है, पश्चिम दिशा है, यहाँ वृंदा देवी विराजमान है। तो सामने वृंदा कुंड है और इसके पीछे है गुप्त कुंड। गुप्त कुंड है प्रथम योगपीठ, जो ब्रिज में 8 योगपीठ है, जहाँ राधा और कृष्ण की जो प्रत्यक्ष जो लीला होती है उनमें से प्रथम योगपीठ है गुप्त कुंड। क्योंकि ब्रिज के रानी और राजा हैं राधा कृष्ण, और ब्रिज की जो अध्यक्ष है, मैनेजर है, वो है वृंदा देवी तुलसी महारानी। जो भी ब्रिज में जो लीला होती है वो वृंदा देवी की अध्यक्षता में होती है। यहाँ सुबह 7:15 से 8:24 तक यहाँ आज भी लीला होती है। क्योंकि हर जगह मंदिर सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है, लेकिन यहाँ सुबह 7 बजे होती है। 7 बजे मंदिर खुलता है, जब राधा कृष्ण लीला में प्रवेश कर जाते हैं, वृंदा देवी इधर होती है, तो उधर जो राधा कृष्ण आने के बाद इधर मंदिर खुलता है, तो 8:24 तक इधर लीला चलती है वन हाफ आवर। तो जब राधा वृंदा देवी लीला समापन करने के बाद राधा कृष्ण चले जाते हैं, कृष्ण गोचारण के लिए चले जाते हैं, राधा रानी सूर्य पूजा के लिए चले जाते हैं। सूर्य पूजा छाता से जाएंगे ना आप गोवर्धन, तो वहाँ भरना कला गांव है, वहाँ राधा रानी सूर्य पूजा करती हैं। फिर उनका दूसरा मिलन होता है राधा कुंड और श्याम कुंड, फिर होता है राधा गोविंद मंदिर वृंदावन में होता है, फिर भांडीर वन में होता है, फिर शिवा कुंज में होता है, फिर निधि वन में होता है रात्रि को, फिर कोकिला वन, काम्य वन, दोमिल वन, ये 8 योगपीठ है। इनमें से प्रथम योगपीठ है वृंदा कुंड गुप्त कुंड। जो भी ब्रज में लीला होती है वो वृंदा देवी की अध्यक्षता में होती है। तो जब राधा कृष्ण इधर 7 बजे आ जाते हैं तो वृंदा देवी कुंज का निर्माण करती है। उसमें बिल्कुल सेंटर में राधा और कृष्ण है, और अष्टदलों पर ललिता, विशाखा, चित्रा, तुम्विद्या, सुदेवी, रंगदेवी, चंपकलता, इंदुलेखा, 8 जो प्रिंसिपल गोपी है वो विराजती है। मंजरियाँ, उपमंजरियाँ, 1000 गोपियाँ हैं। तो अभी आप दर्शन करेंगे तो वृंदा देवी एक हाथ से आशीर्वाद दे रही हैं और दूसरे हाथ में देखना एक कमल है, और उसके ऊपर एक तोता है, उसका नाम है दर्श। जैसे अभी आपका मोबाइल फोन है ऐसे वृंदा देवी का वो भी मोबाइल फोन है। उसके भी 1 लाख शिष्य जो पूरे ब्रिज में भ्रमण करते हैं और पूरे ब्रिज का मैसेज वृंदा देवी को देते हैं। तो आज भी आप देख रहे हैं, आपको सुनाई पड़ रहा होगा तरह की आवाज़, तो यहाँ हर समय वृंदा देवी के शिष्य घूमते रहते हैं। ठीक है।